हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस जो आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। बट उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये मेरी वोकैबुलरी जो भी लिए गए हैं मैंने ये वर्ड्स, वो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जितने भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं ना, उनसे उठाए गए हैं। जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन वर्ड्स को ना आप बड़े ध्यान से बार बार पढ़िएगा और रिविज़न ज़रूर करिएगा। क्यों? क्योंकि देखो, जो वर्ड आपको नया लगे है ना, आप उसे अपनी नोटबुक में नोट करते चलो, उसका मीनिंग सामने लिखते रहो और लगभग वीक में, एक वीक के अंदर आप उसका रिवाइज करो। यानी कि डेली रिवीजन के साथ साथ एक वीक में एक ऐसा डे आप लगा लो कि आपको उस दिन रिवीजन करना है। तो ठीक है, तो मेरे साथ आज आप बने रहेंगे वीडियो के एंड तक, और ठीक है। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन की जो बेल है ना, उसको भी ना ऑल पर सेट कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। ठीक है, तो देखो मेरा पहला वर्ड है आज का रैंक। फर्स्ट वर्ड है आपका रैंक, और रैंक का मीनिंग होता है एक तरह से नष्ट करना। व्हाट इज द मीनिंग? रैंक का मीनिंग होता है नष्ट करना, राइट? नेक्स्ट, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा। तो सेकंड वर्ड है आपका, जैसे कि मैं कहूँ आपसे कि रैंक में नष्ट करना, तो सरफिट। नेक्स्ट वर्ड है सरफिट। सरफिट, तो देखो नेक्स्ट वर्ड है आपका सरफिट, और सरफिट का मीनिंग होता है भरपूर। सरफिट का मीनिंग भरपूर। नंबर थर्ड, देखो नंबर थर्ड है आपका एक तरह से ट्रंप। ट्रंप, TRIUMPH, ट्रंप, और ट्रंप का मीनिंग होता है विजय प्राप्त करना। विजय प्राप्त करना। नंबर फोर, देखो नंबर फोर वर्ड क्या है कि ये वाले जो वर्ड है ना, आपके SSC के एग्जाम में पूछे गए हैं, और मैंने वहीं से इनको उठाया है। जैसे कि स्टेनोग्राफर का, CZL का, CPO का, CHSL का, MTS का। आप ये मत समझिएगा कि ये क्वेश्चंस जो हैं SSC के अंदर ही पूछे जाएंगे, TET, CTET एंड ऑल अदर एग्जाम्स में। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को बड़े अच्छे से देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड आपका टिमिड है। टिमिड, तो देखो टिमिड का मीनिंग होता है कायर। कायर का बोले तो डरपोक। ओके, नेक्स्ट नंबर फाइव। नंबर फाइव वर्ड है देख, जैसे कि परसुएड। परसुएड, तो परसुएड का मीनिंग होता है राजी करना। राजी करना, तो परसुएड का मीनिंग होता है राजी करना। मैनिपुलेट, मैनिपुलेट, तो देखो मैनिपुलेट का मीनिंग होता है एक तरह से चालाकी से प्रबंध करना, चालाकी से किसी चीज का प्रबंध करना। चालाकी से ना प्रबंध करना। क्वेश्चन नंबर आपका सेवन, रिजोल्यूशन। नेक्स्ट वर्ड है रिजोल्यूशन। जी, तो देखो रिजोल्यूशन का मीनिंग होता है एक तरह से दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय। नेक्स्ट एट नंबर आपका, देखो एट नंबर आ रहा है आपका एक तरह से फर्म। फर्म, तो देखो फर्म का मीनिंग भी ना एक तरह से क्या होता है, मजबूत होता है। मजबूत। नाइन, फर्म का भी मजबूत होता है एक तरह से वर्ड है असर्टिव।
असर्टिव, तो देखो असर्टिव का जो मीनिंग होता है ना वो होता है निश्चयपूर्ण, नंबर 10 निश्चयपूर्ण, नेग्लिजिबल, जी नेग्लिजिबल, तो देखो नेग्लिजिबल का मीनिंग होता है बहुत कम, नेग्लिजिबल मीन्स होता है बहुत कम, सो देखो मैं आपको ये बताऊंगा कि WRECK रैक का मीनिng होता है नष्ट करना, SURFEIT सल्फेट का मीनिंग होता है भरपूर, TRIUNPH ट्रम्प का मीनिंग होता है विजय प्राप्त करना, TIMID टिमिड का मीनिंग होता है कायर ये डरपोक, PERSUADE परसुएड का मीनिंग होता है राजी करना, MANIPULATE मैनिपुलेट मीन्स होता है चालाकी से प्रबंध करना, रिजोल्यूशन RESOLUTION रिजोल्यूशन का मीनिंग होता है दृढ़ निश्चय, FIRM फर्म का मीनिंग होता है मजबूत, असर्टिव ASSERTIVE असर्टिव का मीनिंग होता है निश्चयपूर्ण, और नेग्लिजिबल NEGLIGIBLE नेग्लिजिबल का मीनिंग होता है बहुत कम। आइए इनको वन बाय वन एक बार डिस्कस करते हैं मेरे साथ, राइट ठीक है। देखो पहला वर्ड है रैंक, WRECK रैंक का मीनिंग होता है नष्ट करना, तो देखो आप क्या करते हैं यहाँ पे ना डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय का मीनिंग भी नष्ट करना होता है, है ना नष्ट करना राइट डिस्ट्रॉय, तो एनिहिलेट का मीनिंग भी नष्ट करना होता है, रोइन का मीनिंग भी नष्ट करना होता है, तो यहाँ पर आपको क्या मिला डिस्ट्रॉय राइट। नेक्स्ट देखो सर्फिट का मीनिंग होता है भरपूर, भरपूर का मीनिंग क्या होता है एक तरह से फुल, फुल का मतलब क्या होता है भरा हुआ होना होता है, या उसके साथ में क्या अबाउंड होता है एक वर्ड अबाउंड ठीक है, तो फुल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फुल, तो फुल का मीनिंग क्या होता है भरना है ना, फुल पूरा भरा होना राइट ठीक है। ट्रम्प का मीनिंग होता है विजय प्राप्त करना, तो जैसे जनरली वर्ड है क्या विन विन, तो विन का मीनिंग क्या होता है जीतना, विन का मीनिंग जीतना, हाय ना भी जवाब दो राइट ठीक है। टिमिड का मीनिंग होता है कायर, कायर का मीनिंग क्या होता है डरपोक, अब यहाँ पे ना कायर के लिए आप क्या वर्ड लगाएंगे इतना से फियरफुल, फियरफुल तो फियरफुल का मीनिंग भी सेम है, हाय ना ठीक है डरपोक डरपोक राइट ठीक है। परसुएड का मीनिंग होता है राजी करना, राजी करने का मतलब क्या होता है कॉक्स ठीक है, तो परसुएड है क्या राजी करना कॉक्स करना किसी को ठीक है, जैसे COX कॉक्स एक तरह से राजी करना या फुसलाना राजी करना राइट। मैनिपुलेट का मीनिंग होता है चालाकी से प्रबंध करना, चालाकी से प्रबंध करना, देखो यहाँ पे जो आपका वर्ड आ जाएगा चालाकी से प्रबंध करना, तो चालाकी से प्रबंध करने के लिए आपको क्या यूज करना है देखो सबसे पहली बात है चालाकी से प्रबंध करने के लिए तो क्लेवर आ जाएगा, हाँ ठीक है क्लेवर आ जाएगा बिल्कुल, क्लेवर का मीनिंग क्या होता है चालाकी होता है ठीक है, तो क्लेवर चालाकी से प्रबंध करना। अच्छा एक बार बता दीजिएगा मैं अगर कहूँ आपसे मैनेज करना, मैनेज का मीनिंग क्या होता है प्रबंध करना, हाँ या ना मैं जवाब दो प्रबंध करना राइट प्रबंध करना, तो MANAGE मैनेज का मीनिंग होता है प्रबंध करना। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है दृढ़ निश्चय, मतलब फर्म जिसे बोलेंगे, तो फर्म भी मैंने लिख रखा है रिजोल्यूशन एंड फर्म को दोनों को मैंने लिखा है ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग का मीनिंग क्या होता है मजबूत, हाय ना ठीक है ओके।
उसके बाद में जो है ना फर्म के बाद एक तरह से जाऊंगा ना डिटरमाइंड यहाँ पर मोड़ दूंगा मैं, डिटरमाइंड तो इसी से मिलेगा डिटरमिनेशन, तो डिटरमाइंड का मीनिंग होता है एक तरह से मजबूत, मजबूत डिटरमाइंड का मतलब मीनिंग क्या होता है मजबूत, असर्टिव का मीनिंग क्या होता है निश्चयपूर्वक, तो डेफिनेट डेफिनेट का मीनिंग होता है निश्चित, डेफिनेट का मीनिंग क्या होता है निश्चित, राइट। तो नेग्लिजिबल का मीनिंग होता है बहुत कम, तो बहुत कम का मीनिंग क्या होता है मतलब एक तरह से लिटिल, लिटिल का मतलब वेरी लो आप कह सकते हैं ना, मतलब लिटिल मतलब कम, कम कैसा मतलब ना के बराबर, ये वेरी लो। तो इस तरह से ना ये ऑल द वर्ड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बट रिलेटेड योर एग्ज़ाम है। तो आप सभी बच्चों से ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी इन वर्ड्स को ना एक बार से देखें, सेकेंड टाइम देखिए, दोबारा देखिएगा इनको, और ये वर्ड्स आपके लिए एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल होंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई हैं, ठीक है। तो देखो रैक का मीनिंग दोबारा से देख लीजिएगा, डब्ल्यू आर ई सी के रैक का मीनिंग वेस्ट करना, एस यू आर एफ ई आई टी सर्फिट का मीनिंग भरपूर, टी आर आई यू एम पी एच ट्रम्प का मीनिंग होता है विजय प्राप्त करना, टी आई एम आई डी टिमिट का मीनिंग होता है कायर, पी ई आर एस यू ए डी ई परसुएट का मीनिंग होता है राजी करना, एम ए एन आई पी यू एल ए टी मैनिपुलेट का मीनिंग होता है चालाकी से प्रबंध करना, रिजोल्यूशन आर ई एस ओ एल यू टी आई ओ रिजोल्यूशन का मीनिंग होता है दृढ़ निश्चय, एफ आई आर एम फर्म का मीनिंग होता है मजबूत, असर्टिव ए डबल एस ई आर टी आई वी असर्टिव का मीनिंग होता है निश्चयपूर्ण, नेग्लिजिबल एन ई जी एल आई जी आई बी एल ई नेग्लिजिबल का मीनिंग होता है बहुत कम, राइट। देखिए डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय डी ई एस टी आर ओ आई डेस्ट्रॉय का मीनिंग होता है नष्ट करना, एफ यू डबल एल फुल का मीनिंग होता है भरा होना, डब्ल्यू आई एन विन का मीनिंग होता है जीतना, एफ ई ए आर एफ यू एल फियरफुल का मीनिंग होता है डरपोक, सी ओ ए एक्स कॉक्स का मीनिंग होता है राजी करना या फुसलाना, एम ए एन ए जी ई मैनेज का मीनिंग होता है प्रबंध करना स्ट्रॉन्ग, एस टी आर ओ एन जी स्ट्रॉन्ग का मीनिंग होता है मजबूत, डी ई टी ई आर एम आई एन ई डिटरमाइन का मीनिंग होता है मजबूत, और डी ई एफ आई एन आई टी ई डेफिनेट का मीनिंग होता है निश्चित, और एल आई डबल टी एल ई लिटिल का मीनिंग होता है बहुत कम। तो ऐसे मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, क्यों, क्योंकि आने वाले टाइम में हम आपको लाइव क्लासेस देंगे यहाँ पर, ऑनलाइन क्लासेस देंगे आपके लिए, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।